हेलो क्लास 11 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो मैं इसके आज लेकर आ गया हूं क्लास 11 का मैथमेटिक्स, और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पैराबोला, जिसको बोलते हैं परवलय। ठीक है, क्लास 11 में मैथ में ये एक्सरसाइज 11.2 में है। ठीक है, तो आज हम लोग पैराबोला का इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल करेंगे। अगला जो वीडियो आएगा उसमें इसका क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। एक ही वीडियो में पूरा सोल्यूशन देगा। ऐसा इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल करने के बाद ऐसा हुआ ही नहीं है कि आपसे शायद नहीं बने। तो इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल को थोड़ा बढ़िया से देखिए, पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद शायद आप खुद कर लीजिए, ये गारंटी हम दिलाते हैं। तो चलिए भाई, स्टार्ट किया जाए इसको। क्या पढ़ने वाले आज हम लोग? पैराबोला को, जिसको हिंदी में कहते हैं परवलय। क्लास 11 के मैथ में एक्सरसाइज 11.2 में है। ठीक है, आज इसका इंट्रोडक्शन और एग्जांपल है। तो चलिए भाई साहब, क्या है पहले देखते हैं इसको, पॉइंट को क्या है। देखिए, पैराबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट। पैराबोला क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉइंट, सभी बिंदुओं का एक समूह है। कौन सा बिंदुओं का? इन अ प्लेन, एक ही समतल में, दैट आर इक्वी डिस्टेंस, जो इक्वी डिस्टेंस है, बराबर है। किसके भाई साहब? फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन एंड फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स लाइन और फिक्स पॉइंट के। तो साहब हम क्या करेंगे, एगो फिक्स लाइन लेंगे और एगो फिक्स पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, और उसी से करते हैं सॉल्वाइए कि भाई डायरेक्ट नहीं करेंगे कि हाँ ये सुनिए, ये आपका, ये हम बोल देंगे कि सर सुनिए, ये आपका एक्सिस हो गया, ये आपका फोकस हो गया। ठीक है, ये आपका डायरेक्ट्रिक्स हो गया, और यहाँ से यहाँ लेटस रेक्टम हो गया। वो नहीं, पूरा बताएंगे कि ये कैसे हुआ सो, इक्वेशन के साथ। और एक चीज समझिए ध्यान से, आइए आइए भाई। तो हम लोग एक लाइन लेते हैं, एक लाइन ले लिए और एक हम लोग पॉइंट लेते हैं। क्या लेते हैं भाई साहब? एक पॉइंट लेते हैं। ठीक है, पॉइंट को हम मान लेते हैं एफ। क्या मान लेते हैं? एफ मान लेते हैं। एक लाइन है, इस एक पॉइंट एफ है। तो कहीं भी वो कोई पॉइंट लीजिए, मान लेते हैं हम यहां पर एक पॉइंट हम ले लिए, इस जगह पर एक पॉइंट ले लिए, कंकाउंटर ले लेते हैं, इस जगह पर हमने एक पॉइंट लिया। तो सुनिएगा, इस लाइन से इस पॉइंट की जितनी दूरी है, उतनी ही दूरी इस पॉइंट से इस पॉइंट की है। और वही ना हुआ, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स लाइन, फिक्स लाइन से जितनी दूरी इस पॉइंट की होगी उतनी दूरी इस पॉइंट से होगी ना, एंड फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ए। क्या मान ले? ए बी। तो जितना हो जाएगा ए बी, उतना ही क्या हो जाएगा बी एफ। जितना ए बी की दूरी उतना ही बी एफ की दूरी। अब हम मान लीजिए हम यहां पर वो पॉइंट लेते हैं, यहां पर है वो पॉइंट लेते हैं इस जगह पे। तो सुनिएगा, जितना दूरी यहां से यहां की है उतना ही दूरी यहां से यहां की है। तो इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी। तो जितना दूरी किसकी है? सी डी की। बात समझिएगा, उतनी ही दूरी किसकी है? डी एफ की। और एक पॉइंट हम यहां मान लेते हैं, जितनी दूरी यहां से यहां की है उतनी ही दूरी यहां से यहां की। और ना ऊपर मान लीजिए यहां की, इसको मान लीजिए ई। जितनी दूरी यहां से यहां की है उतनी दूरी यहां से यहां की है। ठीक है, अब आइए इसको मान लेते हैं हम लोग ई, और इसको मान लेते हैं जी। जितनी दूरी ई जी की है उतनी दूरी किसकी है? जी एफ की। अब एक पॉइंट हम लोग यहां ले लेते हैं, जितनी दूरी यहां से उतनी दूरी यहां से यहां की है। तनकावरे नहीं लेते तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए जिम कीजिए, इसको मान लेते एच, इसको मान लेते आई। तो जितनी दूरी एच आई, एच छोटी कोई नहीं है, एच आई की है उतनी दूरी आई एफ की है। अब इसको अगर हम मिलाते हैं, इसको इस प्रकार बनता है। ठीक है,
ये मिलाते हैं तो इस प्रकार ये क्या बन के तैयार हो गया? पैराबोला। क्या बन के तैयार हो गया? यहां से यहां की दूरी, यहां से यहां की दूरी और यहां से यहां की दूरी बराबर होगी, यहां से यहां की दूरी, यहां से यहां की दूरी बराबर होगी। तो यही बात है, इसके लिए टेंशन नहीं लेने का। बात समझ में आ गया? पैराबोला समझ में आ गया? यही है आपका पैराबोला, परवलय जिसको बोलते हैं। अब आइए इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ये जो फिक्स लाइन था, ये जो फिक्स लाइन था, इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। हिंदी में बोलते हैं नियता। क्या बोलते हैं? और ये जो फिक्स पॉइंट है, इसको बोलते हैं हम फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। हिंदी बोलते हैं नाभि। क्या बोलते हैं? नाभि। और अब आगे इसको हम तनखा और इसको लमार उमार करते हैं। देखिए ये जो लाइन है, ये जो फोकस से होते हुए जाती है, इस लाइन को बोलते हैं हम लोग एक्सिस ऑफ पैराबोला। क्या बोलते हैं? परवलय का अक्ष, परवलय का अक्ष, एक्सिस ऑफ पैराबोला। सुनिएगा, अब देखिए इस जो ये जो पॉइंट है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। हिंदी बोलते हैं शीर्ष। क्या बोलते हैं? शीर्ष। कोई दिक्कत इसमें? ये एक्सिस ऑफ पैराबोला हो गया, बात को समझे, ये वर्टेक्स हो गया, वर्टेक्स समझते ना शीर्ष। अब इसको अगला पर ले जा करके और इसको मानते हैं कि भाई ये वर्टेक्स से F के बीच की दूरी कितनी है, वर्टेक्स से E पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है, ये सब हम लोग क्या करते हैं और मानते हैं। ये समझ में आया ना भाई कि एगो फिक्स लाइन लेना है, एगो फिक्स पॉइंट लेना है जिससे इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए। बीच में ऐसा पॉइंट लीजिए जहां से दोनों का क्या होना चाहिए? इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए। एक हम पॉइंट लिए थे, एक हमने लाइन लिया था, अब हमारे यहाँ पर पॉइंट लेंगे, ऐसा पॉइंट लेना है। अब यहां ना लेना है, यहां से यहां का इक्विडिस्टेंस होगा? कहीं नहीं होगा। ऐसा क्या भाई पॉइंट लेना है हम लोगों को ना, कि यहां से भी इक्विडिस्टेंस है, यहां से भी इक्विडिस्टेंस होना चाहिए। जितना डिस्टेंस यहां का उतना डिस्टेंस वहां का होना चाहिए, ऐसा पॉइंट लेना है। ये बात ही है, बात समझे कि नहीं समझे? ये चीज थी। आगे आइए, आगे हम लोग देख लेते हैं इसको। तो है। चलो भाई, इसको फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हो फोकस। रुकिए, ई लाइन को तो और घसकाने दीजिए, तो गड़बड़ हो रहा है। ठीक, चलिए सुनिए, ये आपका वर्टेक्स है। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता है 0.0। क्या होता है? 0.0। ये फोकस का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना होगा? तो सुनिए, वर्टेक्स से फोकस के, वर्टेक्स से फोकस के बीच की दूरी जो लेंथ होती है वो हम मानते हैं a। क्या मानते हैं? तो सर आपने बताया था कि जितना यहां से यहां की दूरी होती है उतनी तो यहां से यहां की दूरी होती है। तो सर ए है तो क्या ये भी ए हुआ क्या? अरे भाई एकदम ए हुआ, ये भी ए हुआ। तो सर ये जो आप जो बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, जिसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स जिसको बोलते हैं, नियता जिसको बोलते हैं, ठीक है सर। इसका अगर इक्वेशन लिखना चाहे तो लिख सकते आराम से, क्योंकि ई जो है एक्स अक्ष है, तो ई क्या कौन सा अक्ष है? वाई अक्ष, जानते हैं ना। तो y अक्ष का समीकरण क्या होता है? x बराबर a, x बराबर a। तो x बराबर a नहीं साहब, जो e है ना मूल बिंदु से ओरिजिन से निगेटिव में है, x बराबर माइनस a होगा। x बराबर क्या होगा? माइनस a। कोई दिक्कत इसमें? बात समझ में आया क्या? अगर उधर जाकर बात कीजिए, कौन सा क्लास का मन दीजिए इसका। आप सुनिए, सुनिए, तो फोकस का कोऑर्डिनेट बताइएगा आप लोग।
कॉमा जीरो, एक्स में ए चला वाई में नहीं चला एक्स कॉमा। अब बात को समझिए, बात को यहां ध्यान दीजिए, यहां से यहां की जितनी लेंथ है उतनी लेंथ यहां से यहां की है कि नहीं? यहां से यहां की जितनी लेंथ है उतनी लेंथ यहां से यहां की है, बल्कि इसमें तरकारी छोड़ दिख रहा हो बढ़ दिख रहा हो, वो अपना अंदाज से हम बनाए हैं तो कैसा दिखेगा? किताब में देखिएगा अपने आप दोनों बराबर लगेगा, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन मालूम चल गया, फोकस का कोऑर्डिनेट मालूम चल गया, कोई दिक्कत? वर्टेक्स का मालूम चल गया जीरो कमा जीरो, फोकस का ए कमा जीरो। अब हमको एक वो चीज मालूम करना है, लेटस रेक्टम। क्या मालूम करना है? लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है। हिंदी में कहते हैं उसको नाभि लंब जीवा की लंबाई, ठीक है। एल से नोट करते, किधर करते हैं? एल से। तो कहां से कहां होता है बात सुनिएगा, फोकस से गुजरता हुआ होगा ये इसकी, इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए पी, इसको मान लीजिए क्यू। जो पी क्यू की लेंथ होगी ना वही होगा लेटस रेक्टम, पी क्यू की लेंथ। सुनिएगा, ये पी एफ जो है, ये जो पी एफ आपको दिख रहा है, अच्छा पेन तो चेंज कर दे, ये जो आपको पी एफ दिख रहा है, ये पी एफ दिख रहा है ना, इसकी लंबाई कितनी होगी सुनिएगा ध्यान से। यहां से यहां जो होगा और यहां से यहां होगा इतना के बराबर, ये दोनों जो होगा ई प्लस ये, ठीक है, इसके बराबर होगा पी एफ। फिर से फिर से फिर से, जो पी एफ जो होगा कौन पी एफ किसके बराबर होगा? मान लेते हैं इसको हम क्या मान ले, ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो ए बी और प्लस में बी एफ, ए बी प्लस में बी एफ जो होगा जितना ई और ई दोनों मिला के इसके बराबर कहिएगा। सॉरी तो छोट लग रहा है दोनों के सामने, लेकिन इसको तनखा और बगल में करेंगे इसको थोड़ा और, मतलब ये इस प्रकार बनता है ये, ठीक है। तो देख रहे हैं कहां गया सो, तो हमने बनाया है किताब में, आप देखिएगा तो सर लगेगा, लेकिन ये समझिए फील कीजिए इसको कि जितना ए बी का लेंथ प्लस बी एफ का लेंथ जितना होता है वो पी एफ का लेंथ होता है। तो ए बी प्लस बी एफ, अब सुनिए सर ए बी का लेंथ कितना होगा? तो सर ए, जितना ये होता है उतना ही तो ये होता है, बात समझे ना तुमने? तो जितना ये होगा उतना ही तो ये होगा, हाँ? तो इसको हम क्या माने, यहां से यहां का पूरा लेंथ कितना है 2a, तो यहां से यहां का लेंथ भी कितना होगा 2a, हाँ? तो ये पूरा लेंथ pf बराबर कितना होगा 2a, तो e है 2a, तो e भी तो होगा 2a, तो टोटल कितना हो जाएगा 4a, लेंथ ऑपरेटर लेटस एकदम कितना हो गया 4a। अब सर हो गया, बहुत हो गया, लेंथ ऑपरेटर लेटस एकदम 4a हो गया। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन कितना हो गया, x बराबर माइनस a हो गया। फोकस का इक्वेशन a कॉमा 0 हो गया। वर्टेक्स फोकस का a कोऑर्डिनेट्स, फोकस का कोऑर्डिनेट्स कितना हो गया निर्देशांक हो गया a कॉमा 0 हो गया। लेटस रेक्टम की लंबाई हो गया 4a और वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट हो गया वो 0,0 हो गया, ठीक है। ठीक है, वर्टेक्स से फोकस की दूरी a हो गई, वर्टेक्स के फोकस दूरी a हो गई। वर्टेक्स से लेटर लेटर डायरेक्ट्रिक्स जो लाइन है, वर्टेक्स से जो डायरेक्ट्रिक्स लाइन है उसका भी दूरी क्या हो गया a हो गया। अब बात को तनखा समझिए और इक्वेशन और पैराग्राफ लिखिए, इक्वेशन इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पैरा परवलय का समीकरण, परवलय का समीकरण y स्क्वायर बराबर 4ax, y स्क्वायर बराबर 4ax। ये जो पैराबोला है किसके लॉन्ग है? x एक्सिस के अलोंग है,
पैराबोला एक्स एक्सिस के अलोंग है। अच्छा सर इसका प्रूफ बता दीजिए कैसे y स्क्वायर बराबर 4ax आया। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं, आइए पहले देख लेते हैं। ये हो गया, बात को समझिए ध्यान से इधर। ये यहां पचहत्तर का और इसको दिलाते करीब, रुकी यही गड़बड़ करता रहता है हर बार, फील नहीं आने देता उस चीज को। यहां फोकस हो गया, कोऑर्डिनेट ए कॉमा जीरो हो गया, यहां से यहां की लेंथ ए हो गई, यहां से यहां की लेंथ भी ए हो गई, ठीक है। इसका इक्वेशन एक्स बराबर माइनस ए हो गया, ठीक है। यहां से जो दूरी यहां की होगी उतना ही दूरी यहां से यहां की होगी, जितनी दूरी यहां से यहां की उतनी दूरी यहां से यहां की। तो इसको मान लेते हैं पी क्यू, क्या मान लेते हैं, तो जितनी दूरी पी क्यू की उतनी ही दूरी किसकी, क्यू एफ की। जितनी दूरी यहां से यहां इसकी उतनी ही दूरी इसकी, तो जितना दूरी ये पूरा उतना ही दूरी ये पूरा होगा, क्या कोई दिक्कत, बात समझ में आ गया, एकदम क्लियर हो गया कंसेप्ट। अब सुनिए ध्यान से, पी क्यू कितना होगा, क्यू एफ कितना होगा, यहां से यहां के बीच की दूरी, यहां से यहां के बीच की, इसका कोऑर्डिनेट मान रहे हैं, इसका कोऑर्डिनेट देखिए, यहां जीरो कॉमा जीरो है, जीरो कॉमा यहां का कोऑर्डिनेट मालूम है, यहां का है तो पैराबोला है, इस पर तो एक्स कॉमा वाई हुआ, क्या हुआ एक्स कॉमा वाई, क्योंकि दोनों पॉजिटिव में ना है, मूल बिंदु के पॉजिटिव में है दोनों, एक्स में पॉजिटिव वाई में पॉजिटिव, एक्स कॉमा वाई हो गया। इस पर कहीं भी पॉइंट देंगे एक्स कॉमा नीचे है तो माइनस वाई, ठीक है, ये जी एक्स कॉमा वाई होगा इस पर, कोई दिक्कत, बात को समझिए ध्यान से। अब देखिए ध्यान से, ई एक्स में प्लस वाई माइनस था, यहां कोऑर्डिनेट देखो एक्स में माइनस वाई में, एक्स में माइनस इतना है माइनस या वाई में प्लस वाई हो गया। अब निकाल लीजिए पी क्यू की बीच की दूरी और क्यू एफ की बीच की दूरी, तो रूट अंडर क्या होता फॉर्मूला, एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस प्लस ए हो जाएगा, y2 टू माइनस वाई वन, तो y माइनस वाई गया जीरो, भाग कहानी खत्म, लिख देगी y माइनस वाई बराबर क्यू एफ की, बताइए क्यू एफ की y2 टू माइनस वाई वन, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए का स्क्वायर और y माइनस जीरो, y माइनस जीरो का स्क्वायर, ई तो हो जाएगा एक्स प्लस ए का स्क्वायर, कहानी खत्म, आई हो जाएगा एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा एक वो चीज और, रूट से रूट कर देते, रूट से रूट पहले रूट कर दीजिए, चलिए बाहर निकालेंगे तो एक्स प्लस ए का स्क्वायर बराबर एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी टू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, ये बचा वाई माइनस इधर प्लस हुई टू ए एक्स माइनस ही प्लस टू ए एक्स बराबर वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर बराबर कितना हो गया, प्रूफ हो गया, बिना प्रूफ के कोई चीज नहीं। अब सुनिए सब चीज हो गया, हमको निकालना पड़ेगा लेटर से टर्म, हमको लेटर से क्या होता है 4a, क्या होता है 4a, अब डायरेक्टली का इक्वेशन x बराबर माइनस a, ठीक है, पैराबोला का इक्वेशन y स्क्वायर बराबर 4x, तो सर खाली सब में पैराबोला होगा, रे रुक ना रे भाई रुक, खाली सब में पैराबोला नहीं होगा, देख आइए पैराबोला के बारे में जानते हैं। ये हो गया, अगर ऐसा पैराबोला है एक्स एक्सिस पर है और फोकस का कोऑर्डिनेट सुनिए ना ए कॉमा जीरो है, डायरेक्ट्रिक्स जो है वो एक्स बराबर कितना होगा माइनस ए होगा, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, ठीक है, नियता का कोई दिक्कत, इसका जो इक्वेशन होगा वाई स्क्वायर बराबर फोर ए एक्स होगा,
क्योंकि इसमें a किस किधर है, पॉजिटिव में है, फोकस में a किधर है, पॉजिटिव, इसलिए प्लस हो गया। ऐसा भी तो हो सकता है सर, कैसा ऐसा भी तो हो सकता, इसको मान लेंगे फोकस, इसको वर्टेक्स, ये वर्टेक्स ना होता है और जीरो कॉमा जीरो, इसको वर्टेक्स मान लेंगे जीरो कॉमा जीरो, इधर कितना होगा, लेंस तो ए होगा लेकिन इसका हो जाएगा माइनस ए कॉमा जीरो, इसका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन कितना होगा, डायरेक्ट्रिक्स का एक्स बराबर ए प्लस ए हो जाएगा, एक्स बराबर, क्योंकि जीरो के राइट में प्लस होता है सर। और सुनिए इसका इक्वेशन वाई स्क्वायर बराबर फोर ए एक्स, लेकिन ए माइनस में है, माइनस फोर ए एक्स, याद रहेगा क्या, इधर होगा तो याद रहेगा, इधर रहेगा, फोकस देगा यार, फोकस अगर देता है एक दो कॉमा जीरो वाला देना, फोकस अगर माइनस दो कॉमा जीरो तो ये लेना, सर ऐसा भी तो हो सकता है, ये देख लेते हैं कैसा, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा देखिए तो ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा हो सकता है ना, हा? तो ये हो गया आपका डायरेक्ट्रिक्स, क्या हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गया, ऐसा भी रहता है भाई, इसको ये चीज देना बनता है भाई, चीज। अब सुनिए 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 सुनिए, ये बात को पहले समझिए, इसका फोकस कहां लेंगे, यहां लेंगे, और इसका वर्टेक्स यहां लेंगे, वर्टेक्स जीरो कॉमा जीरो, यहां से यहां का जो डिस्टेंस होगा ए, तो ये फोकस का कोऑर्डिनेट बताइए, जीरो कॉमा ए, क्योंकि एक्स में नहीं चला वाई में चला ए, एक्स में नहीं चला वाई में चला ए, तो जब वाई अक्ष पर हो, एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष का लॉन्ग खुल रहा था पैराबोला, तो वाई स्क्वायर बराबर फोर ए एक्स था, वाई स्क्वायर के अलॉन्ग वाई अक्ष पर, वाई एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग खुल रहा है अगर पैराबोला, तो हम इसका इक्वेशन लेंगे, बोलिए एक्स स्क्वायर बराबर फोर ए वाई। अच्छा प्लस में क्यों लिए हैं, क्योंकि जो ए है ए पॉजिटिव है, डायरेक्ट्रिक का इक्वेशन बताओ साहब, डायरेक्ट्रिक तो हमारा एक्स अक्ष बुझा रहा है, एक्स अक्ष का जो समीकरण होता है वाई बराबर ए होता है, तो वाई बराबर ए की माइनस ए माइनस ए, क्योंकि नीचे ना है ये साहब, वो कोऑर्डिनेट जो है वर्टेक्स जो है ओरिजन जो है ओरिजन से नीचे नीचे ए नीचे, तो वाई बराबर माइनस ए, ठीक है कोई दिक्कत, बात समझ में आया, आइए एक बार लास्ट, ये है इसका फोकस यहां होगा, इसका फोकस यहां होगा, ओरिजन यहां होगा, वर्टेक्स जीरो कॉमा जीरो, यहां से कितनी लेंथ भाई साहब, वर्टेक्स से ए लेंथ, अच्छा ये जीरो कॉमा जीरो से नीचे जा रहा है, अरे भाई ये एक्स अक्ष वाई अक्ष, जीरो कॉमा जीरो से नीचे नीचे जा रहा है, तो फोकस का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा जीरो कॉमा माइनस ए, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन वाई बराबर ए, प्लस में ना है वाई प्लस में ना गया है, यहां से वाई प्लस में ना गया है, इसका इक्वेशन बताओ सर, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस फोर ए वाई, आ गया समझ में, चारों का चारों समझ में आ गया, अब दम टनाटन है, अब एक्स एक्सिस के अलोंग अगर पैराबोला खुलता है तो दू गो केस, एक्स एक्सिस के अलोंग तो इधर भी खुलेगा इधर भी खुलेगा, तो आप लोग कैसे पहचानिएगा कि ई वाला लेंगे कि ई वाला लेंगे, तो फोकस अगर
a,0 है तो ये लेंगे, फोकस अगर माइनस a,0 है तो ये लेंगे, y अक्ष का लॉन्ग अगर हो रहा है तो ये लेंगे कि ये लेंगे, तो फोकस अगर 0, a हो तो ये लेंगे, अब फोकस अगर 0, -a हो तो ये लेंगे। और वो होता है कुछ कुछ गड़बड़, एक्स वाई तो जो कोऑर्डिनेट होता है सब क्या होता है एक्स कॉम वाई, अब एक्स माइनस में हो प्लस में हो तो बाद में चलेगा पता चलेगा कि ओरिजिन से, ठीक है वो चाहिए। अब आइए एग्जांपल करते फटाफट, 2 मिनट में एग्जांपल हो जाएगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, 10-12 होगा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस, ए फोकस का कोऑर्डिनेट बताइए, एक्सिस ऑफ इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स बताइए, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन बताइए, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बताइए, और पैराबोला का इक्वेशन दिया है रे भाई, इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या दिया है, कितना दिया है साहब, वाई स्क्वायर बराबर एक एक्स, अरे भाई साहब तो वाई स्क्वायर बराबर एक एक्स है तो वाई स्क्वायर बराबर इसको 4ax से कंपेयर करना है, y को y का डुबेगा, x को x का डुबेगा, तो 4a = 8, तो a बराबर हो गया 2, अरे a बराबर 2 पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव, सॉरी y स्क्वायर बराबर जब समीकरण दिया है तो x अक्ष पर पैराबोला फूलेगा, y स्क्वायर बराबर दिया है तो x अक्ष पे फूलेगा और भी ऐसे फूलेगा, ये डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स जो तो x बराबर माइनस a होता है, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, अरे डायरेक्ट्रिक्स इसको कहते हैं नियता का समीकरण, x बराबर माइनस a तो x बराबर a कितना है 2, x बराबर माइनस 2 ये हो गया, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम नाभि लंब जीवा की लंबाई, नाभि लंब जीवा की लंबाई होता है 4a 8, कोई दिक्कत, और क्या आ रहा है, और कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, फोकस ये है फोकस, ये फोकस क्या होता है भाई a,0, a के जगह पे हो जाएगा कितना रे साहब 2,0, ये कॉमा है, कॉमा 2,0, यहां से यहां की लंबाई 2, यहां से यहां की लंबाई 2, कोई दिक्कत, पढ़ा आगे एग्जाम्पल 6, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, पैराबोला का इक्वेशन निकालना है रे भाई, फोकस का दिया हो 0 2 का रे, वही सवाल में उलट पलट कर दिया, सेम वही सवाल है, डायरेक्ट्रिक्स है, एक्सिस ऑफ पैराबोला है, फोकस कितना आ रहा है, फोकस है 2,0, ये ना होगा माइनस 2,0 होता तो ये नहीं आते, पकड़ता बात करो तुम लोग, यहां से यहां की 2, यहां से यहां की 2, x बराबर दिया है -2, डायरेक्ट्रिक्स कहां निकालेंगे हो इक्वेशन, और इसका इक्वेशन कौन बताएगा, y स्क्वायर बराबर यही ना होता है, ये पैराबोला दे दीजिए इसका इक्वेशन लिखना है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला ऐसे नहीं, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, हिंदी में जो परवलय का समीकरण, परवलय का y स्क्वायर बराबर 4a(a)(2) इनटू में x, y स्क्वायर बराबर 8x, यही हो गया, बढ़ा जाए अगला क्या कर रहा है, एक परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष वर्टेक्स कितना है 0,0 और नाभि है 0,2, अरे राजीव नाभि है फोकस 0,2 है, वर्टेक्स 0,2 x में 0 चला y में 2, x में 0, हाँ अरे बात को पकड़ लेता है तुम लोग, यानी y एक्सिस पे, y एक्सिस पे यहां मान लीजिए फोकस 0, y में पॉजिटिव है तो यहां से यहां की लेंथ हो गई 2, यहां से यहां की लेंथ हो गई 2, निकालना क्या भाई, परवलय का समीकरण है x स्क्वायर बराबर 4ay, बेइज्जती कर रहा है अपना, सारा सवाल दे करके, a का मान कितना है 2 * y,
एक्स स्क्वायर बराबर 8y। हो गया, कोई दिक्कत? और कुछ ना चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए। उस प्रवला का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष के परिक समीकरण रहे हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद सिमेट्रिक अबाउट टू y एक्सिस। तो y एक्सिस के सिमेट्रिक ई भी हो सकता है और ई भी हो सकता है। अब देख लेते हैं, जो बिंदु माइनस ध्रुव को मैं 3 से गुजरता है, x में माइनस 2, x में 2, y में माइनस 3, x में 2 प्लस रह रही हो, ऊपर का पढ़ रही है, ऊपर का को साइड कीजिए पहले नजर से, नजर से हटाइए उसको, नजर से दूर कीजिए, ये हो गया, ये हो गया, x में कितना y, x में 2, y में माइनस 3, 2 कॉमा माइनस 3, x कॉमा y का ये कोऑर्डिनेट हो गया। फोकस जो होगा इसका, इसका फोकस कितना होगा भाई, 0, -a, 0, vertex 0, 0 निकालना का दिया, समीकरण निकालना है। तो सुनिए, इसका इक्वेशन आपको पता है, x स्क्वायर बराबर माइनस का 4ay, x का मान कितना है 2 दे दिया है, जिससे पास कर रहा वही ना xy, तो 2 का स्क्वायर बराबर माइनस 4 गुने ए का मान है नहीं मालूम है, y का मान माइनस 3, 4 बराबर 4 किया प्लस 12 ए, ए बराबर हो गया 3, नहीं ए बराबर 1/3। गड़बड़ तुम लोग करवाता है, ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर 4ay होता है ना माइनस का, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 4 × a का मान 1/3 × y है ना, 4/3 y, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 4/3 y, ऐसे ना है, नहीं है, 3 से गुणा कर देंगे, 3 एक्स स्क्वायर बराबर कैसे बड़ा नहीं है। आप इसका करेंगे सॉल्यूशन, रुक रुक, सॉल्यूशन खुद से करके लाइएगा, आप लोग भी आइए, लोग भी, आप लोग तो कुछ नहीं करेंगे, नहीं लोगों तो जताइया लगता है सही से, हाँ भी नहीं करिएगा। तो कैसा लगा इसका? अरे बोले थैंक यू बोलेंगे तब भाई, हाँ जी, तो कैसा लगा आप लोगों का इसका लेक्चर? अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, फिर मिलते हैं इसके सॉल्यूशन पार्ट के साथ, लेकिन सॉल्यूशन आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है? तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।